खिला दो। आप लोगों का खानी है? सॉरी जुट्ठा हो गया है। क्या भी नहीं होता, खिला दो। दूसरा खिला रही हूँ। ट्राई करके आप लोग बताना कैसा लगा। खट्टी खट्टी हरियाणी कड़ी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फिर से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों के स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपके फैमिली वाले भी अच्छे होंगे। तो आज गेस करो आज मैं क्या बना रही हूँ। तो रहने दीजिए, गेस मत करिए आप लोग, इतने दिमाग मत लगाइए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग में कि मैं क्या आज बना रही हूँ। तो बस वीडियो को आप लोग बने रहिएगा। आज मैं स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, हरियाणी कड़ी, खट्टी खट्टी वाली कड़ी, जिस तरह से हरियाणा में कड़ी बनती है। हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी चावल चलती है, वो क्या बोलते हैं, गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों का वो प्रसिद्ध प्रसाद है हरियाणी कड़ी, कड़ी चावल। तो बस आप लोग वीडियो को बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कड़ी चावल, कड़ी कैसे बनाया जाता है, खट्टी खट्टी कड़ी। अगर दही खट्टी ना हो तो वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ किस तरह से दही को खट्टी किया। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, लाइट नहीं थी, इसके वजह से मैं वो रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा पाई। दही, मीठी वाली दही को खट्टी कैसे किया जाता है वो मैं पहले से कर दी हूँ। अभी अभी लाइट आई, मोबाइल चार्ज की हूँ, सोची मैं आप लोगों को दिखा दूँ खट्टी खट्टी कड़ी कैसे बनाई जाती है। तो पहले मैं वो दही को खट्टा कर दी हूँ, सुबह का ही खट्टी में कर दी हूँ, लाइट की वजह से मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी इसके लिए। तो दिखा नहीं पाई तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। दही को मिक्सर में गर्म पानी, थोड़ा सा नमक और बेसन, वो ये तीन चीज़ लेकर आप मिक्सर में थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा। और गर्म जगह पर, मैंने अपने घर में कहीं ऐसा जगह आप लोग रखिएगा जहाँ वो गर्म हो, या अगर आप लोग को जल्दी में बनानी है तो धूप में भी आप लोग रख सकते हैं, खट्टी हो जाएगी आपकी दही। और मैं तो धूप आज यहाँ पर निकली रही है, आज ऐसी ही बारिश पड़ रही थी तो धूप यहाँ निकली नहीं है। तो मैं सुबह में नमक और गर्म पानी और बेसन मिलाकर मिक्सी में उसको कहीं ऐसा जगह पर, मैं गर्म जगह पर रख दी थी, और अभी अभी मैं देखी वो दही पूरा खट्टी। देखिए यहाँ पर मेरी ये दही खट्टी हो गई है, देखिए कितनी खट्टी की वजह से ये पानी भी छोड़ दिया सब। और यहाँ पर मैं जो सिंपली आलू और प्याज का जो पकौड़ी बनती है वो पकौड़ी मैं यहाँ पर बना कर रख दी हूँ। मैं आप लोगों को बताई ना कि लाइट की वजह से मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसकी वजह से मैं आप लोगों को और सब चीज़ नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर मैं मार्केट से बूंदी, बेसन की बूंदी आप लोग घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मार्केट से, इतना मेरे पास टाइम नहीं था, इसकी वजह से मैं मार्केट से ये बूंदी मंगवा ली हूँ। और यहाँ पर ये दही भी खट्टी हो गई है, यहाँ बेसन में रखी हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज, कड़ी पत्ते और मिर्ची उर्ची सब फ्राई, यहाँ पर मैं बेसन के घोल बना दे रही हूँ। और इस दही में अगर बेसन में डालूंगी तो वो गोले गोले बन जाएगा ना, अच्छे से घुलेगा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ सिंपल बेसन, सिर्फ पानी में बेसन मिला रही हूँ, हल्का सा पानी। तो यहाँ पर मैं बेसन को घोल रही हूँ सिंपल पानी में, देखिए। और इसमें दही में मैं मिक्स कर दूंगी, दही में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी इसमें हल्दी, और ये है जीरा पाउडर, और ये है काली मिर्च, और ये है थोड़ी सी धनिया पाउडर, और नमक हम लोग अभी मिलाएंगे नहीं, बाद में मिलाएंगे, और ये है थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च तीखा 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 तीखा, कड़ी थोड़ा खट्टी और तीखी रहे ना, तभी मज़ा आता है खाने में। बात तो सही है। बस इसको मैं ऐसे घोल ले रही हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, इतनी अच्छी लगती है ना ये कड़ी रोटी या कड़ी चावल खाने में, हरियाणी खट्टी खट्टी, हल्की खट्टी हल्की तीखी कड़ी। इसके हाथ का कड़ी, वाओ, सो नाइस, सो नाइस। और ये मेरा प्याज भून गया है, अब इसमें डालेंगे
अपनी दही और ये अपनी बेसन का घोल, दही बेसन का घोल। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे, जो इसमें बेसन लगी हुई है ना, तो ऐसे तो इसको फेंकेंगे नहीं ना, ऐसे होल्ड करनी है। हाँ, बेसन थोड़ी पेड़ पे उतरा है ऐसे वेस्ट, और मेरे जैसा कंजूस ऐसे वेस्ट होना कर देगी कोई भी चीज़ है। और इसको घोल कर पूरे अच्छे से पानी फिर डाल देंगे, डाल देंगे। इसको धीमी आंच पर इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे एकदम। अगर इसको चलाइएगा नहीं ना तो नीचे ये बैठ जाएगा और नीचे से जल जाएगा और ये सही तरह से पकेगा भी नहीं। इसको चलाते रहेंगे और जैसे जैसे गढ़ा ये होता रहेगा तो इसमें हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे, पानी डालकर फिर इसको चलाते रहेंगे। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत ऐसे, ऐसे ही डीम आँच पर इसको पकने दीजिएगा। बेसन अच्छे से पक जाएगी तो कढ़ी इतनी अच्छी लगती है खाने में ना, खाने में एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये खट्टी वाली कढ़ी, ये कढ़ी पत्ती है, कढ़ी में जब तक से कढ़ी पत्ती ना रहे ना तो कढ़ी का स्वाद ही अलग ही है। कढ़ी पत्ती डालने से कढ़ी और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, यमी यमी लगता है। और ये जो मार्केट से मैं बूंदी लाई थी, जो मैं आप लोग को दिखाई थी, वो बूंदी मैं इसमें डाल दूंगी जब तक से ये बूंदी मेरा पकेगा। और ये जो पकौड़ी, जो आलू और प्याज का सिंपली पकौड़ी भी, सिर्फ आलू प्याज इस तरह से आप लोग अपने घर में पकौड़ी बनाकर खाते हैं उस तरह से सिंपली एकदम पकौड़ी बनानी है। मैं चला रही हूँ, ये क्या है? ये सारी पकौड़ी भी कढ़ी में डाल, आप लोग सोचते होंगे कि इतनी कढ़ी ये क्या करेगी, इतनी कढ़ी मैं अपने मम्मी पापा के घर दूंगी और मेरे फैमिली में सारे लोग को ये कढ़ी, खट्टी वाली कढ़ी पसंद है, बहुत पसंद है। और अपनी सिस्टर के घर दूंगी, मम्मी पापा के घर दूंगी और अपने घर रखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, ये कढ़ी को आप लोग आराम से धीमी आँच पे एकदम आराम से चलाइएगा, इसको छोड़िएगा मत, नहीं तो ये कढ़ी जो है ना, जो बेसन और ये जो नमक हम लोग डाल दिए हैं दही में, वो दही फट जाती है, फिर कढ़ी का स्वाद भी अलग होता है और देखने में भी अजीब लगता है। देखिए, देखने में अच्छी लग रही है ना, देखिए। बस ये कढ़ी हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि अब मैं ये कढ़ी को उतारूंगी, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, गरम कम मसाला कम से कम और स्वादिष्ट लगे खाने में। देखिए यहाँ कढ़ी बन गई है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है एकदम, मेरे तो मुंह से पानी आने लगा ये कढ़ी को देखकर। इसमें निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए इसमें जो मैं कढ़ी में जो पकौड़ी डाली थी कितनी एकदम सॉफ्ट हो गई है, देखिए कितनी आसानी से एकदम कट गई, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये कढ़ी गरम गरम देखना मुंह ना चल जाए, रोटी आप लोग कढ़ी चावल भी खा सकते हैं, लेकिन मैं तो कढ़ी रोटी चावल साथ रोटी खाती हूँ, क्योंकि मैं चावल इतनी पसंद नहीं है मेरे को, खाती हूँ चावल लेकिन अच्छा से मैं रोटी खाती हूँ, रोटी मुझे अच्छा लगता है। खिला दो, आप लोगों को खानी है, सॉरी जुट्ठा हो गया, क्या भी नहीं होता, खिला दो, दूसरा खिला रही हूँ। ट्राई करके आप लोग बताना कैसा लगा, खट्टी खट्टी हरियाणी कढ़ी बहुत अच्छा लगा हम लोग को, चेक कर देख गरम है कैसा लगा, ये लोगों बताओ कैसा लगा, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर लगा। यस, तो जिस तरह से मैं आप लोगों को बताई उसी तरह आप लोग बना के देखिए, बना के एक बार कमेंट में बताना कैसा लगा। ओके, और थोड़ी बहुत जैसे आप लोग नहीं बताए क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसकी वजह से मैं नहीं बता पाई, इसके लिए
सॉरी। तो गाइज भूख लगी बहुत जोर से, सुबह से मैं खाना नहीं खाई हूँ, बज रहा है रात को 8 बज रहा है, सुबह से खाना नहीं खाई हूँ। ये कड़ी चावल, सॉरी कड़ी रोटी, कड़ी चावल। अब मेरे मेरे घर में सारे लोग कड़ी चावल खाते हैं, लेकिन मुझे चावल इतना पसंद नहीं है, मैं ज्यादा रोटी खाती हूँ। वाओ कितना यम्मी यम्मी। अपना खा रहे हैं, लोगों ने खिला दिया। मैं कड़ी में किसी को नहीं दे सकती। ओके ओके, मैं यहाँ जा रही हूँ मम्मी के लिए। रुको, तुम्हारे ना कड़ी का खुशबू सुंघन के कोई दिया है इतना बड़ा, बोला कि भर के दे देना। देख रहे हैं आप लोग, इसमें भर कर देना है, कड़ी का सुगंध बाहर तक ले चला गया। यस, ओ लड़की क्या कर रही हो? ये लोग मैं निकाल रही हूँ देने के लिए। कितना कितना सबको दियो, दिखा दो इन लोग को भी। मम्मी गरम क्या? अच्छी में गरम है। देखिए ये है, मैं अपने जा रही हूँ मम्मी को। ये मम्मी के, और ये जो इतना बड़ा पता है कौन दिया है? कौन? मेरी छोटी सिस्टर, इस सुगंध सुनकर ही दे दी। और इसको मैं ले जा रही हूँ, देखिए इसको ले जा रही हूँ मैं। दिखा दो इन लोग को। क्या मैं दिखा ये लोग मुंह से पानी आने लगा लगेगा तो फिर ये लोग भी मांगने लगेंगे, तो फिर मैं क्या खाऊंगी? मैं कड़ी में इतना नहीं देती। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर ले होकर। तो गई आज की बोलो इधर दूध बता दो ना। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं तक से खत्म करती हूँ, फिर अगली ब्लॉग में आप लोग से मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। थप्पड़ दे रही हूँ कि बाय बाय। नहीं बाय बाय, ये लड़की एकदम महापागल। बाय रुको बोल रही हूँ, गुड नाइट बोल रही हूँ, और मेरी तरफ से मीठी मीठी